राज्य जो है नए एक्शन ले रहे हैं, नाइट कर्फ्यू वीकेंड कर्फ्यू की बात की जा रही है, क्या बिहार में कोई इस तरीके का कदम उठाया जाएगा? नहीं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग, टेस्टिंग। टेस्टिंग को हम लोगों ने बढ़ाया है, ट्रैकिंग ठीक से कर रहे हैं। और जो मैंने कहा कि पटना का NMCH और गया का NMCH इस दोनों को फिर से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय हुआ है, और वहाँ तुरंत निर्देश करके मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में वहाँ सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि कोविड मरीजों का इलाज वहाँ हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उस अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय किया गया है। टेस्टिंग रिपोर्ट आने में बहुत लेट हो रहे हैं, कल NMCH में लोगों ने कहा कि 8-8 दिन तक रिपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हर व्यवस्थाओं में यदि कहीं भी कोई त्रुटि, जैसे आपको जानकारी दे रहे हैं, तो हर व्यवस्थाओं को तुरंत चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास हम सब लोग वारफुट लेवल पे कर रहे हैं। शमशान घरों में लाभ ये मशीनें खराब हैं। इसके अलावा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग और 50% बसों में, वो फॉलो नहीं हो रहा है सर, इन दोनों इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है और जन सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि ये ऐसे कार्य हैं जिसमें प्रशासनिक आदेश दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी की जाती है, जरूरत पड़ने पे आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन जन सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए जिन विषयों पे आपने ध्यान दिलाया है उसमें हम आम जनों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आर्मी डॉक्टर्स को भी बुलाया जा रहा है, बीटा का जो हॉस्पिटल है, क्या उसके लिए आर्मी डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है? पूर्व में DRDO के माध्यम से वो अस्पताल संचालित हुआ था, एक बार फिर से हम लोगों ने आग्रह किया है कि जो ऐसे चिकित्सक हैं उन चिकित्सकों की उपलब्धता हो जाएगी। तो अभी 50 बेड वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो वहाँ भी हम बेडों की संख्या और बढ़ा लेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये सहयोग मिले। तो ये थे उठाए जाने की भी ज़रूरत है। देखिए लगातार हमारा प्रयास है कि सुविधाओं और व्यवस्थाओं का हम विस्तार करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है। आप देख रहे होंगे कि विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, और आज हम लोगों ने निर्णय किया है कि ये जो IGIMS है, इस IGIMS में भी आज से 50 बेड कोविड पेशेंट के लिए डेडिकेटेड होगा, और उसका पूरा एंट्री पॉइंट और सारा सिस्टम अलग से होगा जो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ भी IGIMS में भी आज से हमारे कोविड मरीजों के उपचार के कार्य शुरू हो रहे हैं। साथ ही जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना है वहाँ जो बेड हमारे खाली है, लगभग 100 बेड के वहाँ पे अगले 2-3 दिनों में वहाँ पर भी कोविड के मरीजों को रखने और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। और जो आवश्यक उपकरण चाहिए, आप देख रहे होंगे आवश्यक उपकरणों को भी मंगाया जा रहा है, जो वेंटिलेटर ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण है सारे को इंस्टॉल कराया जा रहा है। तो अगले 2-3 दिनों में वहाँ भी अतिरिक्त 100 और बेडों पे यहाँ सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पटना के NMCH और गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इन दोनों अस्पतालों को प्रधान सचिव को हमने निर्देशित किया है, दोनों अस्पतालों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित करके वहां पे कोविड मरीजों का इलाज शीघ्र शुरू किया जाए। ABP News आपको रखे आगे।